हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर करके अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैंने ये सब शूट किया है वहाँ पर लॉबी थी, तो मेरी पूरी वॉइस इको हो रही थी, जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, समझ भी आएगा तो इरिटेट हो गया। इसलिए मैं अच्छा से बहुत अच्छा व्लॉग शुरू करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बोल रही थी कि अभी हम शिरडी से चेकआउट कर रहे हैं और निकल रहे हैं शनि शिंगणापुर की ओर, जो पास में ही है 50-60 किलोमीटर्स। तो जो भी शिरडी जाता है वो ज़रूर शनि शिंगणापुर जाता है, जो कि शनि भगवान का मेन प्लेस है। तो यहाँ पर जब किसी के शनि की पूजा करें तो भी यहीं पर जाया जाता है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और हमारा यहाँ शिरडी का स्टे बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोगों को भी यहाँ पर रुकना हो तो होटल का नाम है सन एंड सैंड, पिछले व्लॉग को ज़रूर देख लेना। और अब करते हैं आज का व्लॉग शुरू। गाइस, एज यू कैन सी, मैंने ब्लैक पहना है और मम्मी ने भी ब्लैक पहना है और कैप्टन ने भी ब्लैक पहना है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शनिदेव के मंदिर और वहाँ सब कुछ ब्लैक ही उनका मेन कलर है। और कल हमने पहना था येलो, क्योंकि कल हमारी कार ने भी ब्लैक पहना है। तो कल हमने येलो पहना था क्योंकि कल थर्सडे था। हम लोग प्लान ही करके आए थे कि थर्सडे जाएंगे शिरडी, क्योंकि उनका मेन दिन है और येलो कलर भी उनका है, इसलिए हमने कल येलो पहना था और आज ब्लैक पहना। तो पेट्रोल भर दिया गया है। पेट्रोल पंप वाले भैया ने बताया कि 1 घंटा बस सीधा चलते जाओ और हम पहुँच जाएंगे शनि शिंगणापुर। नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं, क्या रेट के? 100 रुपए का टोकरा, 100 रुपए का ये टोकरा। नहीं, आप अपनी दाम से दो, हम अपने घर लेके जाएंगे ना, वहाँ भी खाएंगे। अरे एक ही लेना फिर, गोबर एक टोकरा लूंगा ना मैं। हाँ। कितने किलो होगा ये? 2 kg 100 रुपए पर। हम ये खाते हुए आए हैं क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बम्बैया। ये हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है और मैं जब भी रायपुर जाती हूँ इसका पूरा बंडल अपने भाई से लेकर आती हूँ। तो ये पूरी लड़ हम लाए थे, यही खाकर हमारा गुजारा हुआ है कार में। इसमें सौंफ, मिश्री, मीठा सब कुछ है, बहुत टेस्टी थी। तो अब रह गया है शनि शिंगणापुर सिर्फ 23 किलोमीटर्स, और उसके पहले ही यहाँ का स्कैम होना शुरू हो गया है। गाइज देखिए, ये इस इंसान ने हमें रैंडमली रोका है कार हमारी, और उन्होंने हमारा नाम पूछा, हम कहाँ से आए, नंबर प्लेट देखकर उन्होंने गैस किया कि हम दुर्ग से आए हैं। तो इन्होंने कॉन्वर्जेशन बढ़ाते हुए हमारा नाम पता सब जाना और बोला कि आगे मेरी शॉप है मंदिर के पास, आप प्लीज़ आप वहीं से लीजिएगा। और जब हम मंदिर के पास पहुँचे हैं तो पार्किंग से पहले ही इनके एक बंदे ने कैप्टन को उनके नाम से बुलाकर रोका है और कह रहे थे कि मेरा भाई आपसे पहले मिल चुका है पीछे, तो आप प्लीज़ हमारे ही शॉप से अपना सामान लीजिए भगवान को चढ़ाने वाला, और हमारे पास पार्किंग कीजिए। और वहाँ पे टिकट लग रही थी, बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मंदिर के जस्ट बाजू में मंदिर की पार्किंग है, जो इतनी बड़ी है और खाली पड़ी हुई है, और यहाँ पर बाजू में शॉप्स भी हैं। तो इस टाइप के स्कैम से बचें और फ्री पार्किंग और मंदिर के पास पार्किंग इन्जॉय करें। तो हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में शिरडी टू शनि शिंगणापुर, और बहुत ही अभी रश, बहुत ही खाली लग रहा है मुझे तो अभी। यहाँ पर कोई रश नहीं है ज़्यादा, पार्किंग स्पेस भी पूरा ऑलमोस्ट खाली है, और जस्ट पार्किंग के बाजू में ही मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग को जो वहाँ चढ़ाना होता है तेल, वो लेंगे। भाई फ़ोन अलाउड है, हमने पता चल गया अभी, शुक्र है, वरना आज का व्लॉग भी मुझे गूगल से निकाल के डालना पड़ता। रुपए वाला काला कपड़ा त्रिशूल पे चढ़ाने का, इसके नीचे नारियल हवन के लिए दान कर देने का, ये फूल बाबा की मूर्ति के ऊपर उधर छोड़ देने का, और इतना 7 आइटम है अपने बॉडी को टच करने का ऐसा, और अपने भगवान के सामने अपना 7.5 बोल के चरणों में दान कर देने का, पीछे का एड़ा पेड़ा निकल जाता है, और ये प्रसाद भी उसके साथ ही दान कर देने का, अगरबत्ती हवन कुंड में जला के टीका लगाने का, और हाथ में प्रणाम करके सीधा एग्जिट से वापस आने का। ऐसा एक प्रक्रिया खाली अपने 15 मिनट में दर्शन होता है बस। अभी ये तेल चढ़ाते हैं, तेल भी चढ़ाते हैं, आप अपना 5 फुट का अपना मुहूर्त है। हाँ। 1 लीटर चढ़ाते, कोई आधा लीटर, कोई 1.5 लीटर, कोई 100 ml, कोई 50 ml, आपकी इच्छा से जितना चाहिए अपने। ठीक है, बच्चे जा सकते हैं ना? बच्चे जा सकते, बूढ़े जा सकते, लेडीज जेंट्स दोनों में कोई। लेडीज जा सकते, लेडीज जा सकते, अभी पहले नहीं था, अभी पहले नहीं था। ये पैकेज 200 रुपीज का। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब सामान ले लिया है, ये सबकी तरफ से बोतलें, तेल की बोतल है जो हम चढ़ाएंगे। तो एंटर करने के 5 मिनट में ही बिल्कुल खाली था मंदिर, तो हम लोग फटाफट पहुंच गए हैं मेन शनि भगवान की मूर्ति के पास। पर उससे पहले यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर लिखा है कि अगर शनि प्लेटफॉर्म पे चढ़कर तेल चढ़ाना है तो हमें 500 रुपये की VIP टिकट लेनी पड़ेगी। तो हमने तो ले ली,
बट जो लोग नहीं ले सके उन लोगों ने यहाँ बाहर ही नीचे शेड के पास अपना जो भी सामान वो लेकर आए थे वो सब वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। सो गाइस हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं और थैंक्स टू दिस भैया था ना वीडियो गिरीश नाम है और इनको ढूंढते हुए अगर आप इधर आते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया दर्शन करवाए भैया ने हमको। हाफ एन आवर में हम अंदर जाके दर्शन करके आ गए हैं और वो भी अंदर ऊपर भगवान के प्लेटफॉर्म तक जाकर उनको अच्छे से देखकर टच कर चढ़ा कर आए अंदर से। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए एंड थैंक्स टू कैप्टन जिन्होंने हमें इतना हिम्मत दी और लेकर आए इतने अच्छा सफ़र करवाया। थैंक यू। क्या चाहिए शुरू आप नहीं बोल रहे थे जाते समय कुछ लेना तो गन कितने पागल हूँ गन के पीछे इसमें सीटी है ना क्योंकि सीटी ले देती हूँ 10 रुपए की चल हाँ अरे मान गया मान गया। और पता चलता है अभी यहाँ पर कि 12 साल पहले बाबा जी का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर चढ़ने की एंट्री सिर्फ जेंट्स की होती थी। जब मैं भी आई तो वहाँ पर सिर्फ जेंट्स ही चढ़ते थे वही तेल चढ़ाते थे और पहले स्नान करना पड़ता था फिर एक धोती जैसे बांध कर फिर जाना पड़ता था। तो अब लेकिन वहाँ पर जनरल एंट्री हो गई 12 सालों से लेडीज़ भी जा सकती हैं तो इसलिए वो धोती पहनकर स्नान करके वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया है। सीधा आओ लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब जाकर अब ऊपर पूजा कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ ये लिया जाए चप्पल है और ये बुरी नज़र वाले तेरा। तो गाइज़ दर्शन करने के बाद लंच टाइम हो गया था और बहुत भूख भी लग रही थी तो यहाँ से आज हम जैसे महाराष्ट्र से निकलने वाले हैं तो उसके पहले मुझे प्रॉपर महाराष्ट्रियन फूड खाना था तो एक लोकल रेस्टोरेंट में आकर हमने ऑर्डर किया है बैंगन दाल पनीर एंड रोटी। सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 मतलब शाम के 4 और अभी हम निकले हैं शनि सिंगनापुर से पर हमको जाना है वही स्मृति क्या था समृद्धि हाईवे तो वो यहाँ से बहुत दूर है अभी। एक बार वो हाईवे आ जाएगा तो बहुत ही हमारा क्विक हो जाएगा सफ़र। देखा उल्टा तारक मेहता में कौन कौन होता है बीड़े अंकल माधवी सोनू जेठालाल ओके चंपकलाल हाँ चंपकलाल कौन रहता है वो जेठालाल के पापा सारे हाँ गोगी हाँ और जेठालाल वाइफ ओह माय गॉड ओह माय गॉड हमारा टायर वहां आधा फट के गिर गया है। अभी क्या हो जाना था यार हमको तो डर लग रहा है उससे टकरा के किसी और का एक्सीडेंट ना हो जाए। हमारे टायर के निशान टोल वाले को कॉल कर दिए गए टोल वाले से बात कर रहे हैं कैप्टन। गाइज हम लोग बहुत अच्छे से हंसते खेलते हुए आ रहे थे इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हुए आ रहे थे और सडनली इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई कंटिन्यूएशन में एक आवाज़ आई है और जैसे ही कैप्टन को रियलाइज हुआ उन्होंने ब्रेक मारी और बहुत देर के बाद गाड़ी हमारी यहाँ पर इस हाईवे में बिल्कुल 120 के ऊपर ही चलती है गाड़ियाँ तो हमारी भी स्पीड में ही थी और अचानक से इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई है तो अब मतलब हमारी गाड़ी से ब्रेक मारने में ऑलमोस्ट 10 सेकेंड लगा है। वो 10 सेकेंड हमारे कैसे गुजरे इतने डर में और जब मैंने उतर के देखा है तो टायर इज गॉन मतलब आधा ही टायर आया है आधा रोड पे पड़ा हुआ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं पहली बार ऐसी सिचुएशन ऐसी फेस कर रही हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे सभी को बहुत डर लग रहा है अभी कैप्टन भी अकेले हैं व्हाट टू डू आ रहे ना टोल टैक्स वाले वो तो अपने आप साइड हो गया वो हवा से हाँ वो अपने आप साइड हो गया
वो इसका मर गया। क्या बोले टोल वाले? आ रहे हैं। ये भी पूरा टूट गया कैप्टन, देखो ये बॉडी टूट गई है, देखो ना मम्मी, ये देखो बॉडी टूट गई है, गड्ढा हो गया पूरा। और ये भी पूरा गया, यहाँ पर भी कुछ होता है ना, ये भी गया पूरा, ये भी उखड़ गया। और टायर गर्म होगा ना? नहीं, ठंडा हो गया, देखो फट कर गया। कैसे फटा? सारे टायर सही थे हमारे निकलने पे, गाड़ी ऐसे तो भागी नहीं। गाड़ी हाँ कंट्रोल में थी फिर भी, ओ माय गॉड, अगर कुछ हो जाता थोड़ा सा भी आउट ऑफ ट्रैक हो जाती तो। यहाँ तो रनिंग इतनी स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं सारी। और यहाँ बच्चे पहले डर गए थे, अब देख लो इनको क्या मिला। ये मिला, क्या है ये? उसके अंदर का कैप है। माय गॉड, ये तो मिला ही नहीं, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये कहाँ का? टायर के अंदर का है ये? मिला ही नहीं, यही फ्रेम इसका। ये दिखाओ ना क्या है ये? अंदर इनर बॉडी है उसकी, टायर के अंदर की, बाकी उसके टायर के ऊपर की। समझ नहीं आ रहा कहाँ का है। टीपो का फ्रेम रहता है वो मिल जाता ना, अभी यहाँ से तार डाल के इसको लॉक करके गाड़ी चल जाएगी। अभी अपन सबसे पहले सबसे नियरेस्ट जो भी सिटी वहाँ पे होटल लेते जाके। कैप्टन नहीं लगता टायर स्टेप नहीं चेंज होकर निकल देंगे? फाइनली हमने डिसाइड किया हमें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि शाम के 6:30 बज गए हैं और टोल वाले अभी तक आए नहीं है। एंड आई थिंक कैप्टन फर्स्ट टाइम स्टेप नहीं चेंज कर रहे हो क्या? कैप्टन बहुत पहले कर चुका हूँ, बहुत पहले भूल गए यार। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गया, अभी तक टोल वाला कोई आया नहीं है हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर पूरा जंगल है ना, तो हम लोग को आवाज़ें भी आ रही कुछ कुछ। अब इधर ही आ गया खड़े आ गए। फाइनली कोई आए हैं हेल्प करने के लिए। यहाँ पे एक नट था जो हमसे खुल नहीं रहा था, इसके कारण हमने स्टेपनी नहीं चेंज कर पाया। सो गाइस, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बाद हेल्प आ गई थी और उन्होंने सब ठीक कर दिया है। स्टेपनी हमारी फिक्स कर दी, क्योंकि स्टेपनी का कुछ नट ना फिक्स नहीं हो रहा था हम लोग से, एक नट घिस गया है उसका, तो वो ना टाइट नहीं हो रहा था हम दोनों से। कैप्टन ने बहुत ट्राई किया, हम लोग बहुत टेंशन में थे, बट फाइनली सब ठीक है और हम लोग वापस निकल गए अपने सफ़र में। रास्ते में एक स्टॉप लेके हमको थोड़े वापस अपने किसी शॉप में चेक करवाने पड़ेंगे टायर्स, ताकि आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकें। तो हम लोग एक शॉप में आए हैं जहाँ पर हम लोगों ने अपना टायर न्यू लगाने का सोचा है। तो यहाँ पर भैया बता रहे हैं कि ये जो ऑलरेडी यहाँ पर फटे हुए टायर पड़े हैं, ये सब समृद्धि हाईवे में ही एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ का सीमेंटेड रोड के कारण बहुत टायर फटते हैं। ये रेडी हो रहा है हमारा नया चक्का। और यार हम लोग आगे वाले टायर तो न्यू डलवा कर ही आए थे। चाय लवर सेकंड कप पी रहा है अभी चाय, बहुत चाय पीता है ये, हमसे ज़्यादा अभी चाय पीता है कभी कभी, टेस्टी है। पास में अमृतुल्य है तो हमको अच्छी चाय मिल गई कम से कम। एक्चुअली ना जब भी कहीं दो भाई या दो चीज़ें होती हैं ना, तो ये लोग बोलते हैं एक जश्न है कभी है, तो एक को इसने बना दिया जश्न यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, एक जश्न है कभी है। और थोड़ी देर पहले वहाँ पे दो कुत्ते घूम रहे थे, उसमें भी ये लोग बोलते हैं एक जश्न है कभी है। कौन सा था तू? मैं लेता हुआ था, अभी अपनी बंदूक ढूंढ रहा था और अभी घूम रहा था, तो इन लोगों ने अपने आप को वहाँ पे भी कैटेगराइज कर दिया था। मैं अपनी बंदूक ढूंढ रहा था। सो गाइज, ये था हमारा सफ़र शनि शिंगनापुर से वापस छत्तीसगढ़ के लिए। रास्ते में जो हमारा एक्सीडेंट हुआ, तो पता चलता है इससे कि जब भी एक्सप्रेस वे या हाईवे पे निकलो तो अपने टायर्स में नाइट्रोजन डलवाओ, जो हमने तो डलवाया था, अपने टायर्स भी चेक करवाए थे, सब कुछ सही था, बट फिर भी ये हुआ है क्योंकि हमारा स्पीड लिमिट 120 से थोड़ा ऊपर था, प्लस सीमेंटेड रोड थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई थी टायर्स में,
तो ये सब ध्यान आप भी रखो, आपका फिर ऐसा ना हो, भगवान करे किसी का भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो। तो गाइज, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और ऐसे और व्लॉग्स देखना चाहते हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।